और चलिए रुक करते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 161 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल और रेवाड़ी जिलों को भी मिलेगा ऑक्सीजन प्लांट। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सक्षम हरियाणा की मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश की छात्राओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अहलाबाद उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा आज नामांकन करेंगे। सुभाष बराला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। किसान संगठनों के ऐलान के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हांसी में हिसार दिल्ली हाईवे पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम को आखिरकार पुलिस ने 17 घंटे बाद खुलवाया। किसानों की संख्या कम होने पर पुलिस ने रामायण टोल को चालू करवाया। लखीमपुर खीरी हिंसा का नया वीडियो जारी। तिकुनिया रास्ते पर मार्च कर रहे किसानों को पीछे से टक्कर मारती नजर आई थार गाड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर लिया संज्ञान। चीफ जस्टिस एनवी रमणा करेंगे सुनवाई। लखीमपुर हिंसा में पीड़ित परिजनों से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। गले लगाकर बढ़ाई ढांढस। मृतक पत्रकार के परिजनों से भी की मुलाकात। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस का मार्च। प्रभारी विवेक बंसल, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के नेतृत्व में सभी विधायक जाएंगे लखीमपुर। किसानों के समर्थन में कांग्रेस की यात्रा। हरियाणा की बेटी अंशु मलिक का कमाल। जूनियर यूरोपियन चैंपियन विक को हराकर विश्व चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटी अंशु मलिक की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्रसेन जयंती पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पुरातन समाजवाद के प्रणेता अग्रसेन समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी प्रदेशवासियों को अग्रसेन जयंती पर ट्वीट कर बधाई दी। तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम 30 पैसे की बढ़ोतरी तो वहीं डीजल के दाम में 38 पैसों का इजाफा। सोनीपत में फसल अवशेष जलाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। जिले में अगर कोई भी किसान अवशेष फसल जलाता है तो उस पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। नरवाना के डबलेन सड़क पर आमने सामने दो बाइकों की भिड़ंत। हादसे में एक किसान समेत चार की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। देशभर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,605 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 24,611 मरीज रिकवर हुए, 315 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए, 76 मरीज रिकवर हुए। राजधानी में अब भी 300 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11 नए मामले, एक दिन में 21 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस 273। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत। शिव मुहूर्त में कलश स्थापना के बाद श्रद्धालु आज मां शैलपुत्री की करेंगे पूजा अर्चना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शारदीय नवरात्रि शुरू होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पितृपक्ष खत्म होने के बाद आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मराठों द्वारा निर्मित कलकत्ता में मनाए गए फूलों से सजे पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर की भव्यता शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देखते ही बन रही। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नवरात्रि उत्सव पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रदेश के एकमात्र सिद्धिपीठ देवीकुप भद्रकाली मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी।